हाल चाल, नया दिन नई शुरुआत। सो आज मैं आया था जिम में एंड मुझे हमारे कॉलेज के ही सीनियर टकरा गए। सो सर, मेरे आपसे कुछ सवाल है। फर्स्टली, आप कितने टाइम से नाइपर के जिम में आ रहे हैं? एक साल से। एंड अब तक तो आपने लाइक काफी ज्यादा यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज करे होंगे। मतलब आप कुछ बता सकते कौन से इक्विपमेंट्स है, कौन से बॉडी पार्ट के लिए? एक्चुअली हम लोग लेग्स के लिए स्क्वाट मारते हैं और बेंच पे जैसे मारते हैं, यहाँ पे बारबेल है 20 kg का, उससे बेंच पे हम लोग मारते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे ट्रेडमिल है। हाँ, कोई कार्डियो करना चाहे तो उस पर कर सकता है। बाकी डंबल्स बहुत सारे हैं जिनसे बाइसेप और ट्राइसेप पे एक्सरसाइज होता है। ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए बहुत से बढ़िया जिम है। और अगर मैं बोलूं कि फिटनेस कितनी जरूरी है एंड आपके लिए व्हाट इज जिम, अगर मैं आपको पूछूं डेफिनेशन फॉर फिटनेस और जिम फॉर यू, तो आप क्या बोलना चाहोगे उस पर? फिटनेस एक्चुअली फिजिकल प्लस मेंटल होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। हम लोग जितना काम करते हैं लैब में वो उसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम लोग जिम में आते हैं। कम से कम एक घंटा अगर कोई जिम कर ले तो वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरीके से फिट हो सकता है। बिल्कुल। और एक्चुअली ये स्ट्रेस रिलीवर भी है मेरे लिए, खासकर मेरा जितना भी स्ट्रेस होता है ये ट्रेन में आके वो रिलीव हो जाता है। तो ये थे मेरे साथ सचिन सर। ऑब्वियसली जिम की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी एंड मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए, नाम तो फिलहाल मुझे नहीं पता है, बट यस यहाँ पे चेस्ट, लेग्स, बाइसेप्स वगैरह के इक्विपमेंट्स हैं। मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं कैप्शन में डाल दूंगा कौन से है। सो बहुत सारा प्यार कीजिएगा, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए एंड मैं आपके लिए नाइपर के अपडेट्स। इसके हाल चाल, नया दिन नई शुरुआत। सो मेरे साथ है अब इस वक्त फर्स्ट ईयर एंड अगेन मेरा ही कॉलेज का जूनियर विंकल कंबोज। सो विंकल, आप अभी नाइपर में आए, आपको अप्रॉक्स 1 month तो हो गया होगा। सो हाउ इज योर फीलिंग कमिंग टू नाइपर एंड अब आपने जिम भी शुरू करा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले आप ये बताइए कि आपका ये 1 month की जर्नी कैसी थी नाइपर की? सबसे पहले तो थैंक यू सर। सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगी नाइपर की यहाँ पे प्लस यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज अच्छी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेबोरेटरीज टू द जिम टू द रोड एवरीथिंग। प्लस यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड है, लाइक इफ यू वांट टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग, ऑल स्पोर्ट्स आर अवेलेबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे ये मेरे रूम के भी पास है तो इनकी काफी हेल्प मेरे को रहती है। अच्छा, बढ़िया। अगर मैं बात करूँ जिम की तो आप कितने टाइम से जिम आना शुरू करे हो एंड हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि पूरा दिन लेक्चर्स अटेंड करते हो, आपको 9 subjects भी है, सो हाउ मतलब कैसा लगता है जिम आकर आपको? सबसे मेन चीज जो है जिम आने की वो तो है मेरा लाइक जितना भी स्ट्रेस रहता है दिन का तो सारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। प्लस काफी थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारा मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हम जो आज का फूड है जो हम खाते हैं उस जिम में आना शुरू करे तो कोई तो ऐसी चीज होगी जिसने आपको मोटिवेट करी होगी कि आप जिम आओगे, या ऐसा क्या चीज थी जिससे आपको जिम खींच लाई, मतलब कि हाँ विंकल अब जिम करेगा? सबसे पहले तो जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, वजह से बेसिकली क्या है कि जिम भी समझ नो जिम करो, लाइक आप जिम करो, ठीक है। प्लस क्या है, अगर आपका वेट ज्यादा है, लाइक मेरा थोड़ा सा मेरे को लगता है वेट ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक आपको आप अपना टेस्ट लेना है, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट है। अकॉर्डिंगली अगर वो आपको ज्यादा दिख रहा है तो यू मस्ट ट्राई एंड कुछ भी करो, लाइक आप रनिंग भी कर सकते हो। सो BMI को मेंटेन करके रखना है, हाइट टू वेट, वेरी गुड। एंड अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो फिटनेस जैसे स्पेशली मैं, जैसे हम लोग नहीं जाते जिम, तो उनके लिए एनी मोटिवेशनल वर्ड्स या एनी कोई चीज जो आप बोलना चाहोगे कि जिससे वो जिम आना शुरू कर दे? बेसिकली ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, अगर आपका बहुत कुछ हो रहा है तो अवॉइड दिस, नोट अभी नहीं होगा, लाइक फ्यूचर में जाके +40 +50 विल डेफिनेटली फेस एन इश्यू, सो टू अवॉइड ऑल दिस यू मस्ट ट्राई एनीथिंग। सो दैट वॉज विंकल कंबोज विथ मी फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड इसके आगे मैं आपको लिए क्लिप्स अटैच कर दूंगा जो मैंने खींची है यहाँ पर इस जिम में। सो आई होप कि आप पसंद करेंगे वो सारी क्लिप्स।
तेरा डिस्टर्ब सो गाइज अब मेरे साथ जुड़ चुका है अथर। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स कर रहा है फिलहाल। सो इससे हम थोड़ी सी इंसाइट्स देंगे कि इनका कैसी जर्नी रही है नाई पर आकर, एंड सिंस ये 1 month हो चुका है सो इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। एंड अथर इज फ्रॉम मेडिकल डिवाइस। सो अथर, अगर मैं आपको पूछूं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नाई पर में आकर 1 month का? मल्टीपल चीजें है करने के लिए करें। और आप एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे इतनी चीजें। ओके, बहुत मजा। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ, आप कंटिन्यू करिए अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूँ आपके जिम की मोटिवेशन की, तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको जिम में खींच लाया? ऐसी कौन सी चीज थी वो आपको मोटिवेशन फैक्टर? मोटिवेशन फैक्टर अनमोल सर से, मेडिकल मेडिकल से। ओके, अनमोल सर ने मुझे कहा था कि अथर को आप जिम स्टार्ट करिए, आपकी फिजिक थोड़ी सही, आप और अच्छे से बढ़िया पाएंगे। बढ़िया, सो अनमोल सर आपका मोटिवेशन फैक्टर थे। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड लास्टली अगर मैं आपको पूछूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज के फिटनेस क्यों जरूरी है, एंड आपके लिए फिटनेस क्या है, सो क्या बोलना चाहोगे उस पर? एक्चुअली फिटनेस जो होती है वो फिटनेस मेंटल फिजिकल सभी को मिलाकर होती है। एब्सोल्युटली, एक्चुअली जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली भी फिट होंगे, तो आपके एकेडमिक्स को भी इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है और एकेडमिकली भी आपको इसका अच्छा ही फायदा मिलेगा। That's great. So that was Athar with me, जो concentration curls कर रहे थे, and I hope आपको वीडियो पसंद आएगी सारी की सारी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल।
गेट के ऊपर थोड़ा दबाया, गेट के ऊपर